ओके सो आज हम देखेंगे पाइथन का एक और क्वेश्चन जो कि एक बेसिकली एक इजी लेवल क्वेश्चन है हैकर रैंक पे, क्वेश्चन है नेस्टेड लिस्ट्स। सो बेसिकली क्वेश्चन बहुत बड़ा है बट मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है। तो बेसिकली क्या है कि गिवन द नेम्स एंड ग्रेड्स फॉर ईच स्टूडेंट इन अ क्लास ऑफ एनी स्टूडेंट, स्टोर देम इन अ नेस्टेड लिस्ट एंड प्रिंट द नेम्स ऑफ एनी स्टूडेंट, ठीक है, हैविंग सेकेंड लोवेस्ट ग्रेड। ठीक है, आपके पास एक क्लास है जिसमें एन स्टूडेंट्स हैं, हर एक स्टूडेंट का क्लास क्या है, एक नाम है और एक स्कोर है। ठीक है, आपको वो स्टूडेंट फाइंड करना है जिसका जो स्कोर है या जिसका जो ग्रेड है वो सेकेंड लोवेस्ट है। ठीक है, सो ये कुछ कुछ क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है, जहां हमने देखा था फाइंड द रनर अप स्कोर में कि कैसे सेकेंड हाईएस्ट स्कोर हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बट अभी हमें फाइंड करना है सेकेंड लोवेस्ट स्कोर। ठीक है, और एक और ट्रिकी चीज़ इसमें ये है कि इफ़ देर आर मल्टीपल स्टूडेंट विद द सेकेंड लोवेस्ट ग्रेड, ऑर्डर देयर नेम्स अल्फाबेटिकली एंड प्रिंट ईच नेम ऑन अ न्यू लाइन। तो इसको स्कोर नहीं चाहिए, इसको नाम चाहिए हर एक स्टूडेंट का जिसका जो ग्रेड है वो सेकेंड लोवेस्ट है। ठीक है, एंड अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्टूडेंट है जिसका जो ग्रेड है वो सेकेंड लोवेस्ट है, तो आपको सारे स्टूडेंट के नाम प्रिंट करने होंगे और वो भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। ठीक है, तो ये टास्क काफ़ी सारे आपको समझ में आ रहे होंगे, यानी कि काफ़ी कुछ करना है आपको, बट एक एक करके हम करेंगे और बहुत सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। ठीक है, इनपुट फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली पहले आपको एक इंटीजर मिलेगा n, जो कि द फर्स्ट लाइन कंडीशन इंटीजर n, जो कि होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, एंड हर एक स्टूडेंट का दो डेटा है, नाम और ग्रेड। सो आपको हर एक लाइक 5 अगर मिलेगा तो आपको 10 लाइन्स आएंगे इनपुट के, और हर दो दो लाइन पे आपको हर एक स्टूडेंट का डेटा होगा। पहला होगा नाम, दूसरा होगा स्कोर, नाम स्कोर नाम स्कोर नाम स्कोर नाम और स्कोर। सो टोटल 10 डेटा आपको मिलेगा अगर इनपुट होगा 5 तो। ठीक है, सो आउटपुट क्या होगा, बैरी और हैरी। कैसे, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट स्कोर है हमारा 37.21, सेकंड लोवेस्ट, एंड लोवेस्ट था 37.2, तो दो लोग को मिला है 37.21, तो हैरी एंड बैरी दोनों प्रिंट करेंगे। एंड सबसे पहले नाम किसका होना चाहिए, बैरी का, देन हैरी का, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में। ओके, सो पहले हम इनपुट ले लेते हैं और इनपुट को एक रिक्वायर्ड फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, एंड देन हम देखेंगे कि हम क्या क्या लॉजिक लगाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले n को स्टोर करो, n इज इक्वल टू इंट इनपुट, उसके बाद एक डेटा स्टोर कर लो जो कि लिस्ट टाइप का होगा, और इसी लिस्ट में हम अपना डेटा को स्टोर करेंगे कुछ इस फॉर्म में। ठीक है, जिसमें हर एक एक लिस्ट होगा, इसमें 5 एलिमेंट्स होंगे और हर एक एलिमेंट एक खुद भी एक लिस्ट होगा, तभी इस क्वेश्चन का नाम है नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, लिस्ट के अंदर लिस्ट, और हर लिस्ट में पहला होगा नाम, दूसरा होगा स्कोर, नाम स्कोर नाम स्कोर नाम स्कोर एंड नाम और स्कोर। और राइट, पहले लूप चलाते हैं, फॉर आई इन रेंज एन, डेटा में अपेंड करेंगे, क्या अपेंड क्या करेंगे, हम एक खुद भी एक लिस्ट अपेंड करेंगे। लिस्ट का पहला एलिमेंट क्या होगा, नाम, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, स्कोर। सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, नाम, दूसरा मिल रहा है स्कोर। तो हम पहले कहेंगे इनपुट, इससे हमें नाम मिल जाएगा, एंड नेक्स्ट लाइन का इनपुट आएगा वो होगा स्कोर, तो उसको भी कहेंगे इनपुट, बट इसको चेंज करेंगे फ्लोट में। ठीक है, क्योंकि स्कोर जो है वो फ्लोट में है। ओके, अभी क्या करना है, हमें डेटा को सॉर्ट करना है। ठीक है, डेटा को ऑर्डर करना है, एक पर्टिकुलर फॉर्म में ऑर्डर करना है, एंड बेसिकली हमें ये ध्यान देना है कि हमें चाहिए सेकेंड लोवेस्ट स्कोर, तो हमें पता होना चाहिए लोवेस्ट स्कोर। ठीक है, लास्ट टाइम हमने एक लॉजिक लगाया था रनर अप स्कोर वाले क्वेश्चन के लिए, इस बार हम लॉजिक लगाएंगे थोड़ा हटके। बेसिकली क्या करेंगे, हम यूज़ फंक्शन, पाइथन में एक फंक्शन होता है इसका नाम है सॉर्ट। ठीक है, सो डेटा एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर एक फंक्शन होता है, बेसिकली लिस्ट के अंदर एक मेथड होता है, अगर हम एक्चुअल टर्म को यूज़ करें तो मेथड होता है सॉर्ट, उसके हेल्प से हम अपने डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। तो अगर हमें इनपुट इस फॉर्म में मिला है तो हम इसको सॉर्ट करना चाहेंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर फॉर्म में, ताकि हम इसका लोवेस्ट स्कोर पता कर पाएँ और उसके भी यहाँ पर हम सेकेंड लोवेस्ट पता कर पाएँ, है ना। तो क्या करेंगे, हम पहले क्या करेंगे, डेटा करेंगे सॉर्ट। तो डेटा डॉट सॉर्ट एक मेथड है, इसके हेल्प से डेटा सॉर्ट हो जाता है, बट आपका जो डेटा है दो वो क्या है, एक लिस्ट के फॉर्म में है, तो दो लिस्ट को आपस में कंपेयर नहीं किया जा सकता, दो स्ट्रिंग को किया जा सकता है, दो इंटीजर को किया जा सकता है। ठीक है, तो एक इसके अंदर कीवर्ड आर्गुमेंट होता है, उसे कहते हैं की,
की के अंदर हम बताते हैं कि किस एलिमेंट के बिहाफ पे आपको कंपैरिजन करना है अलग अलग डेटा का, और फिर सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि स्कोर